Adworld Education, the complete solution for study abroad. Hello everyone, मैं आपका स्वागत करता हूँ Adworld Education में. और आज हमारे साथ है हमारे दो alumni students, अभी जो जर्मनी में पढ़ाई कर रहे हैं, Mr. Milan and Mr. Vairaj. So मैं आपका Adworld Education की तरफ से स्वागत करता हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे सवाल हमें स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई जर्मनी क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. तो आज हम जो स्टूडेंट्स आए हैं तो हम उनके पास से ही हम जानेंगे. तो मिलन, मैं आपको पहला सवाल जो मेरा है कि आपकी पूरी जर्नी, आपने बैचलर्स यहाँ किया है, उसके बाद जर्मनी पहुँचे वहाँ तक की जर्नी आपने कैसे की? तो हेलो एवरीवन, मैं और वैराज साथ में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैचलर किया हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में, और उसके बाद सोचा कि हमें मास्टर के लिए जर्मनी जाना है और जर्मन डॉट में स्टडी करना है. तो हम लोगों ने और ए टू यहाँ पे किया, और उसके बाद की जो बाकी की लैंग्वेज है ए टू से बी वन से सी वन तक की, वहाँ की वहाँ जाके कम्प्लीट की. और उसके बाद हमने हमारा मास्टर शुरू किया. अभी हम दोनों टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक में हमारा मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं. अच्छा, राइट. तो टी यू म्यूनिक में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आपने बताया कि आपने जर्मन लैंग्वेज की यहाँ पर, मीन्स अप टू ए टू लेवल, और बाकी के जो लेवल्स है वो जर्मनी में जाके आपने कंप्लीट किया. तो क्या है कि जर्मन लैंग्वेज और मास्टर डिग्री दोनों साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं वैराज के, क्या होता है, कैसे होता है? आपको सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट करनी रहती है, और उसके बाद आप मास्टर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में. हमारे केस में हमने एक साल तक जर्मन लैंग्वेज सीखी थी, और उसके बाद हमने एप्लीकेशन की और हमें एडमिशन. ओके, राइट. तो यहाँ तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो लाइक जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दो तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज में नहीं जाने का कारण वो तो सबको पता है, एज ए कम्युनिकेशन बैरियर. पर उसको आप ऐसे ना देखें, एज अ एडवांटेज देखें, तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा. और जो क्वेश्चन पार्ट टाइम का है वो या लैंग्वेज बहुत बेनिफिट रहेगी पार्ट टाइम, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि आप अगर फील्ड जॉब एज ए स्टूडेंट स्टडी कर रहे हो और आपको फील्ड जॉब करनी है, तो आप लैंग्वेज आपको हेल्पफुल रहेगी, आप वहाँ पे एज ए वर्किंग स्टूडेंट भी काम कर सकते हैं. तो ये जो यहाँ है आपको लैंग्वेज बहुत हेल्पफुल रहेगी, उसके बाद भी प्रोफेशनल जॉब में भी बहुत लैंग्वेज काम करती है. तो मेरा मानना है कि जर्मन डॉट जाना कोई अच्छी चीज़ है, कोई ख़राब नहीं है. आप इसको वहाँ के बेनिफिट्स ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो पढ़ाई करते हैं डायरेक्ट मास्टर डिग्री में पढ़ाई करने वाले, वो भी पार्ट टाइम जॉब तो करते ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये जैसे डिलीवरी बॉय की जॉब है, जहाँ आपको कम से कम बोलने की ज़रूरत पड़ती है, आप वहाँ जॉब कर सकते हैं. और अगर आपके पास कुछ स्पेशल स्किल्स है, तो आप एज एन इंटरनेशनल कंपनी में भी कुछ काम कर सकते हैं एज अ वर्किंग स्टूडेंट, जैसे मिलन ने बताया. अदर देन दैट, आपको अगर कस्टमर्स के साथ आपकी डीलिंग रहती है, कुछ बार बार कुछ जर्मन बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप वो जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जर्मन नॉलेज की इतनी प्रोफिशिएंसी नहीं होती. राइट, यानी जहाँ पर आपको कम्युनिकेशंस कम करना हो वहाँ स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जाते हैं तो. अगर जर्मन लैंग्वेज में जाते हैं तो आपको वो बैरियर नहीं मिलेगा. अच्छा, पार्ट टाइम जॉब किस प्रकार की रहती है, आप शॉर्ट में समझा सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब जैसे कि आप एज सुपर मार्केट डिलीवरी बॉय है, एज कोई भी बेकरी है, आप काम कर सकते हैं. और मैंने जैसे कि पहले बताया, एज अ वर्किंग स्टूडेंट आपको फील्ड जॉब करने की इच्छा है, तो एज अ वर्किंग स्टूडेंट भी आप कोई कंपनी में काम कर सकते हैं. यानी आप पढ़ाई करते करते डायरेक्ट फील्ड जॉब भी मिलती है स्टूडेंट्स को? हाँ. मेरे ख्याल से दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम स्टूडेंट्स को, कोई भी आपके फ्रेंड को भी आप पूछेंगे ना, तो कोई सुपरमार्केट में काम करेंगे या कोई वेयर हाउस में काम करेंगे, लेकिन जर्मनी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपको पार्ट टाइम जॉब वो भी फील्ड में मिलती है, आपके जो कोर्सेज है उस हिसाब से आपको जॉब मिलती है. दूसरा एक मैं क्वेश्चंस, जो 2020 में जैसे कोविड इफेक्ट्स आए वर्ल्ड वाइड, तो आपको किस हद तक मीन्स इफेक्ट हुआ? जर्मनी वैसे तो कोविड में स्टूडेंट्स लोगों के लिए इतना खास बुरा नहीं रहा था.
जैसे ये ऑफलाइन में से ऑनलाइन हमें पढ़ना हुआ तो थोड़ी 6 महीने डिफिकल्टी रही, क्योंकि हम अभी तक सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे तो वो दिक्कत आई थी, पर अभी हम उसके हमें वो अभी दिक्कत नहीं लग रही। अभी हो सकता है कि हमें अच्छे क्रेडिट्स मिल जाए और बट नेक्स्ट सेम से हमारा सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है, तो एक अच्छी न्यूज़ है। ओके फाइन। अच्छा दूसरा के मोस्ट ऑफ जो कोर्सेज रहते हैं ना उसमें लाइक कोर्स क्यूरिकुलम में इंटर्नशिप होती है या मास्टर थीसिस होती है, तो क्या वो इंटर्नशिप है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है कि मिलन के स्टूडेंट को खुद को सर्च करना पड़ता है, क्या होता है उसमें? इंटर्नशिप में ऐसा है कि इट्स डिपेंड, कई यूनिवर्सिटी आपको इंटर्नशिप ऑफर करती है, कई नहीं भी करती है, पर स्टूडेंट ट्राई करते हैं कि वो बाहर ढूंढे, क्योंकि यूनिवर्सिटी है वो आपकी इंटर्नशिप पेड नहीं रहेगी। ओके राइट। लेकिन क्या वो अच्छा रहता है अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप करें तो? पर्सनली अच्छा इसलिए रहता है कि आप हर एक स्टेप पे आप अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं और आपको डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन में अलग अलग तरीके से आपको हेल्प करते हैं, तो वो भी अच्छा है। पर कंपनी में अगर आप जल्दी से जल्दी प्रोफेशनल जॉब पाना चाहते हैं तो बाहर कंपनी में इंटर्नशिप करना ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके राइट। और एक फाइनल क्वेश्चन है जो सब स्टूडेंट्स को, जैसे इंडिया में एक प्रोसेस रहती है कि हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल होते हैं जहाँ पर कंपनी आती है और स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे के वहाँ पर लाइक जॉब पास अगर सिलेक्ट होते हैं तो जॉब मींस उसकी फाइनल हो जाती है, तो उस तरह का सिनारियो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में है कि नहीं है वैराज? जर्मनी में टोटल डिफरेंट है, वहाँ पे जॉब फेयर्स तो होते हैं और वहाँ कंपनी आके सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और हम अपना CV वहाँ सबमिट कर सकते हैं, पर बाद में हम एप्लीकेशन करनी रहती है अपने वेबसाइट से और उसके बाद हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ पोर्टल्स है, जॉब पोर्टल्स, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंडीड है, लिंक्डइन, यहाँ पे भी सब ने तो आप उसमें भी अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं और लोगों के साथ बात कर सकते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए और एंड देन आप एप्लीकेशन कर सकते हैं डायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया। अच्छा मैंने जॉब फेयर के बारे में भी सुना है, यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर भी होता है, तो वो किस प्रकार का वहाँ लाइक जॉब मिलता है तो क्या होता है उसमें? वहाँ पे ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी वो जो जॉब फेयर कंडक्ट करती है और उसको आपको हेल्प भी करती है कि जैसे कैसे CV बनाना है, ऐसा सब कुछ, कैसे कवर लेटर है, वो सब आपको हेल्प करती है और वो सिर्फ कंडक्ट करती है, उसमें इंक्लूडेड नहीं होती है कि अगर आपको जो मिलेगी मिलेगी ऐसा कुछ नहीं, वो कंडक्ट करते हैं, पर वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अगर जो आप जॉब फेयर विजिट करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके लिए, आपको मिल भी जाती है जॉब, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। ओके तो एक अच्छी चीज़ है ये, वो यूनिवर्सिटी में ही होता है। हाँ मतलब right. टिप्स देते हैं कि इंटरव्यू में कैसे बैठा जाए और क्या CV में या फिर मोटिवेशन लेटर में क्या लिखा जाए, तो उसकी टिप्स देते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती है। पर्सनली हमें तो बहुत हेल्प मिली है उससे। ओके वैसे क्वेश्चंस की लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हो तो जो इस वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखिए और हम आपका आपका रिप्लाई देंगे। फिर से एक बार एडवर्ल्ड और हमारी जो पूरी टीम है उसकी तरफ से मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम।